हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, हम लोगों ने आपको शेरशाह सूरी की कहानी बहुत सुनाई है, उसने हुमायूं को कैसे हराया था कई बार सुनाया है, लेकिन आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं शेरशाह सूरी का वो अनसुना इतिहास, उसके बचपन का इतिहास। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे पीछे जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये है नारनौल में बना हुआ इब्राहिम सूरी यानी शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा। अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आइए आपको हम लेकर चलते हैं शाह इब्राहिम सूरी का मकबरा। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसका एंट्री गेट, और सामने में आप देखिए कितना विशाल शाह इब्राहिम का मकबरा है। फिलहाल चारों तरफ आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ना पूरी बस्ती बसी हुई है दोस्तों, है ना, छोटे छोटे मकान है, सामने में मंदिर है, और यहाँ पर शाह इब्राहिम का मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ से फिलहाल हम इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाते ही जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखा होता है जहाँ पर लिखा है शाह इब्राहिम का मकबरा नारनौल, और ये भी जो है दोस्तों ASI के अंडर में संरक्षित है। और यहाँ से इसका एक और दरवाज़ा है जो कि खुला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको देख करके तो दिल जो खुश हो चुका है। आर्किटेक्चर देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना बेहतरीन लग रहा है। लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, पीले पत्थर हैं, वाइट पत्थर हैं, और इसके अलावा मार्बल्स यहाँ पे आपको दिख सकती है। अंदर भी चलेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप बाहर से जो है ना इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश कर लीजिए। ऊपर में अगर आपको हम दिखाएं दोस्तों, तो ऊपर में आप देखिए बहुत सारे कंगूरे दिख रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबूतरों का भी अड्डा ये बना हुआ है। और इस साइड में आप देखिए सीढ़ियाँ वगैरह कितनी ऊँची हैं, और ये भी जो है दोस्तों पूरे चारों तरफ इस नारनौल की बस्ती के बीचों बीच ये मकबरा बसा हुआ है। और दोनों साइड में देखिए इस तरह की जो है यहाँ पे जाली बनी हुई है। तो ये सब जाली जो है दोस्तों उसी टाइम की है, और ये जो है बेसिकली वेंटिलेशन और एयर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होता था। ऊपर में भी आप देख सकते हैं कुछ वेंटिलेशन के लिए जो है ओपनिंग्स वहाँ पर भी छोड़ी गई है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ना कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, हमें काफ़ी टाइम से आने का मन था। वो रीज़न ये था दोस्तों कि ये मकबरा जो है, ये है शाह इब्राहिम सूरी का मकबरा। शाह इब्राहिम सूरी कौन? जो कि शेरशाह सूरी के दादा हैं। और ये चीज़ जो है, ये मकबरा जो है दोस्तों, ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हम भी जो है सासाराम के ही रहने वाले हैं, और बचपन से जो है हम लोगों का शेरशाह के मकबरे में जो है काफ़ी दिन गुजरा है। तो इस साइड से भी आप देखिए क्या नायाब स्ट्रक्चर उस ज़माने में बनाया गया था, और आज तक हम उसको इंटैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार जो है ना, इन सब चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर रही है, तब ये चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखला पा रहे हैं। ऊपर में अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर आपको चारों साइड में जो है छतरियाँ दिख रही हैं, बीच में जो है बहुत ही बड़ा गुंबद है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हर एक साइड में जो है ना आपको छोटी छोटी मीनारें दिखती हैं, जो कि सूरी वंश की एक पहचान हुआ करती थी। इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर जो है ना एंट्री नहीं है, यहाँ पर जो है एक सिर्फ जाली बनी हुई है तीनों साइड में वेंटिलेशन के लिए। और दोस्तों, ये आप देखिए, ये जो है इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है दोस्तों, इसे कहा जाता है कॉर्बेल आर्क। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे जो है ना हाथी के सूंड के स्ट्रक्चर में बनाया गया है। तो दोस्तों, इसे देख करके जो है ना हमें पुराने किले की किलाए कूना मस्जिद याद आ गई, क्योंकि किलाए कूना मस्जिद को भी जो है शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। इसी तरह से सारे पत्थरों का वहां पर भी इस्तेमाल किया गया है। और थोड़ा सा अब हम लोग जो है यहाँ पर चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे में जो है एक लोटे का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ऊपर में भी आप देखिए उस तरह का सेम मेहराब जिस तरह का सामने था। तो सामने से जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर लग रहा है आपको, लेकिन ये आप देख सकते हैं इस चबूतरे के ऊपर जो है ना इस तरह का जो ये छज्जा है, ये चारों तरफ से बनाया गया है। शाह इब्राहिम की मज़ार नारनौल में, और शेरशाह सूरी और उनके बाप हसन शाह सूरी की मज़ार यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर सासाराम में है। वहाँ कैसे पहुँची, ये यहाँ कैसे पहुँचे, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। और अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर, जिसका आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेहतरीन दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं नक्काशी वगैरह आप सामने से देखिए। बिल्कुल इस साइड में आप देख सकते हैं ये जो है लोटे और कलश का स्ट्रक्चर बना हुआ है। फूल पत्तियों को आप सही से निहार सकते हैं गाइस, ये देखिए कितना बेहतरीन, कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है। बारीकी आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ों को बनाने की, फूल पत्ती, और यहाँ पर भी आप देखिए कमल का फूल, और ऊपर में जो हाथी के सूंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। और ये आग आप देख सकते हैं ना, इस तरह का आग जो है तमाम मकबरे में मॉन्यूमेंट में हुआ करता है, सेम जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर, और ये जो सबसे बड़ी वाली मज़ार है, ये है शाह इब्राहिम सूरी की
मज़ार। तो इस साइड में आप देखिए यहाँ पर इस तरह का बहुत ही बड़ा मेहराब बना हुआ है। तो ये जो इसका मतलब है कि ये पश्चिम का हिस्सा है। और मेरे तीनों साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंटिलेशन है, जाली दी हुई है, सामने में एंट्री है और इधर से भी एंट्री है। छोटे छोटे कमरे जो है ना इस तरह का आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत हो रही है ये आप देखिए। और यहाँ पर भी अगर आप नक्काशी वगैरह देखें तो ऊपर में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऊपर में भी जो कुरान की आयतें वायते सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर में, लेकिन कबूतरों का अड्डा वगैरह बहुत ही बन चुका है। ऊपर आप देखिए कितना बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो नीचे से अगर आप देखिएगा तो ये जो है चार साइड का स्ट्रक्चर है। ऊपर में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको आठ साइड दिखता है, ऊपर में 16, 32, 64 और इस तरह से पूरा सर्कल गुंबद बना दिया जाता है। और हर मकबरे की तरह ऊपर चढ़ने का जो है सीढ़ी बनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं ये सीढ़ी है और काफ़ी बुरी हालत में है गाइस, है ना। ये आप देख, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है ताकि कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मज़ार हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो है यहाँ पर 6 मज़ारें हैं। ये हो गई इब्राहिम सूरी की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों के भी मज़ार यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के जो है इसके अंदर करीब करीब 2 रास्ते बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों ये था इब्राहिम सूरी का मकबरा। जहाँ तक हम शाह इब्राहिम सूरी की बात करें तो ये एक अफगान थे जो कि आए थे अफगानिस्तान से। ऐसा बताया जाता है कि इब्राहिम सूरी जो है घोड़ों का व्यापार करते थे। 1451 के आगे की सारी कहानी है, जब बहलोल लोधी की हिंदुस्तान में हुकूमत थी उसी ज़माने में इब्राहिम शाह सूरी हिंदुस्तान आए थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है जलाल खान से। जलाल खान की सरपरस्ती में इब्राहिम सूरी ने काम किया और उन्होंने ही जो है ना इनको जागीरदार बना दिया। यहाँ पर उन्होंने उनको नारनौल से लेकर हिसार तक की पूरी ज़मीन बनाई और ज़मीन दी और उसके बाद जो है वो नारनौल के जागीरदार बन गए। इब्राहिम सूरी के बेटा थे हसन शाह सूरी, इन्होंने भी जो है जलाल खान के सरपरस्ती में काम किया था। एक जमाना ऐसा आता है सिकंदर लोधी के टाइम में जब सिकंदर लोधी ने जलाल खान को बना दिया बिहार का गवर्नर और उन्हीं के टाइम में हसन शाह सूरी को बिहार की बहुत सारी जागीर दी गई, जैसे में सासाराम की जमीन दी गई, हाजीपुर की जमीन दी गई और ख्वासपुर की जमीन दी गई। इस तरह से अब हसन शाह सूरी भी जो है यहाँ के जागीरदार बन गए। तो दोस्तों हसन शाह सूरी की जो है 4 बीवियाँ थीं। पहली बीवी से शेरशाह सूरी थे लेकिन ये ज़्यादा प्यार करते थे अपनी चौथी बीवी से, इस वजह से जो है ना थोड़ा ज़्यादा निगलेक्ट कर देते थे अपने बेटे शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी जो है वो गुस्से में सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए जौनपुर जलाल खान की सरपरस्ती में। तो यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये है कि जलाल खान वाज द सेंट्रल फिगर इन द सूरी एम्पायर, क्योंकि जलाल खान की सरपरस्ती में इब्राहिम सूरी, हसन शाह सूरी और शेरशाह सूरी ने भी काम किया था। तो 3 साल तक जौनपुर में रहने के बाद शेरशाह सूरी ने उनके अंडर में पढ़ाई की, पर्शियन, अरेबिक सब कुछ सीखा। और फाइनली जब हसन शाह सूरी को यह मालूम चला कि उनका बेटा काफ़ी काबिल हो गया है, तब फाइनली जो है ना उन्होंने उनको बोला कि तुम जा करके अब चीज़ों को संभालो। तो करीब करीब कहा जाता है कि 21 साल तक उन्होंने सारे एडमिनिस्ट्रेशन किया और सबसे पहला काम क्या था, करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया था। 21 साल काम करने के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर था उनके भाइयों और सौतेली माँ से, उन्होंने छोड़ करके वो चले गए यहाँ से आगरा। हसन शाह सूरी का इंतकाल हो गया, फाइनली हसन शाह सूरी को जो है सासाराम में दफना दिया गया। और अब तक जो है शासन यहाँ पे आ चुका था इब्राहिम लोधी का। तो इब्राहिम लोधी ने हसन शाह सूरी के मरने के बाद सारी जागीर जो बिहार की सासाराम, ख्वासपुर, हाजीपुर सारी जागीर जो है सौंप दी शेरशाह सूरी को। लेकिन अब जब यहाँ पर आते हैं तो अब अपने साथ में वो लेकर के आते हैं बहार खान लोहानी को, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी भी वो वापस जाएंगे सासाराम बिहार तो उनके खिलाफ लोग खड़े होने वाले हैं। इसलिए वो अपने साथ लेकर के आए थे बहार खान लोहानी को। और बहार खान लोहानी के समय की बात है दोस्तों, वो उनके साथ गए थे शिकार पे और उस शिकार के दौरान बहार खान लोहानी के ऊपर शेर ने हमला किया था और शेरशाह सूरी ने उस शेर को अकेले हाथ से मार दिया, इसीलिए शेरशाह सूरी का नाम पड़ गया शेरशाह। इनका असल नाम था फरीद खान, बाद में शेर को मारने की वजह से इनका नाम पड़ गया शेर खान और फिर ये बन गए शेरशाह सूरी। लेकिन अभी भी जो है दोस्तों शेरशाह का जो किंगडम है वो अभी तक कायम नहीं हुआ था। अब आगे चल कर के 1526 का टाइम आता है जब लोधी वंश ख़त्म हो जाता है और फाइनली बहार खान लोहानी ने अपना एक सेपरेट किंगडम बना दिया और ख़ुद को सुल्तान मोहम्मद का टाइटल दे दिया।
और यहाँ से जो है शुरुआत होती है शेरशाह सूरी के उरूज की, क्योंकि सारी जागीर तो शेरशाह सूरी को मिल चुकी है और बिहार के गवर्नर बन चुके हैं बहार खान लोहानी। कोई रास्ता रुकावट बीच में नहीं है, लेकिन 1528 में बहार खान लोहानी की मौत हो जाती है और वो अपने पीछे छोड़ करके जाते हैं अपनी बीवी और अपने बेटे जमाल खान लोहानी को। और अब जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है शेरशाह सूरी की और उनको बना दिया जाता है जमाल खान लोहानी का डी फैक्टो रूलर। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें जो है वहाँ के कई सारे नोबल्स को पसंद नहीं आई और लोग जो है शेरशाह सूरी के खिलाफ खड़े हो गए और फाइनली जमाल खान को अपने साथ लेकर के चले गए बंगाल की सल्तनत में और इस सासाराम और बिहार का इलाका बिल्कुल खाली छोड़ दिया और इस तरह से यहाँ पर कायम हो गया सूरी अम्पायर। और इसके बाद तो सारी इतिहास आप जानते ही हैं। 1539-40 में बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी और 1540 से 1545 के बीच में इन्होंने सासाराम में अपना मकबरा बनवाया, अपने बाप का ही मकबरा बनवाया। और 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी ने ही अपने दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में यहाँ पर बनाया था। एक ज़माने में 1518 में इब्राहिम सूरी की मौत हुई थी, उस ज़माने में यहाँ पर जो उनकी छोटी सी मज़ार थी, फाइनली पैसा आने के बाद जो है उन्होंने यहाँ पे भव्य मकबरा बनाया जो आप मेरे पीछे आज देख सकते हैं। 1545 का टाइम था दोस्तों जब कालिंजर को फतह करने के लिए वो गए थे और वहाँ पर बम फटने की वजह से जो है उनकी मौत हो गई। 3 दिन तक उनका शरीर जो है आधा जलता रहा, लेकिन जब तक किला फतह नहीं हो गया उन्होंने दम नहीं तोड़ा। और जब उनको ये खबर मिली कि हम लोग कालिंजर के किले को फतह कर चुके हैं, तब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी शेरशाह सूरी, इब्राहिम सूरी, उनके बेटे हसन शाह सूरी। और ये है जवाब कि हसन शाह सूरी और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर सासाराम में क्यों है। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं शाह इब्राहिम के मकबरे का है ना एक और साइड यहाँ से आपको दिख सकता है। तो ये साइड जो है ना ये सड़क पे आप दिख सकता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये भी जो है बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे तीनों साइड से था, वैसे ही यहाँ से भी कोई इंट्री नहीं। अब ऊंचाई यहाँ से आपको क्लियरली मालूम चल सकती है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे जो है इस मकबरे को बनाया गया था। ऊपर का नक्काशी देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, लाल बलुआ पत्थर और वाइट बलुआ पत्थर के इस्तेमाल से इन सब चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी, देख करके हमें तो काफ़ी मज़ा आया। तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।